बड़वानी जिले के निवाली थाना क्षेत्र में धड़ल्ले से नकली नोट बनाकर चलाए जा रहे थे। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से लगभग 13,54,000 के जाली नोट और जाली नोट बनाने का प्रिंटर सहित स्कैनर जब्त किया है। जिले में असली नोटों की जगह नकली नोट धड़ल्ले से भोली भाली जनता के बीच चलाया जा रहा है, जिसकी मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर जाली नोटों के सौदागरों को धर दबोचा। जाली नोट बनने वाले गिरोह के 3 आरोपी स्कैनर और प्रिंटर से हूबहू असली जैसा नकली नोट बनाकर लोगों से ठगी कर रहे थे। निवाली बाजार में केले खरीदी पर 2,000 का नोट देने पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को धर दबोचा। वहीं 3 आरोपी देवा उर्फ दयाराम, राहुल पिता शोभाराम, गेंदिया उर्फ गेंदालाल के पास से 13,54,600 के जाली नोट बरामद किए गए। इस सफलता पर SP DR तेनिवार ने निवाली थाना अंतर्गत पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। कुछ दिनों से जिला बड़वानी में थाना निवाली क्षेत्र में और सेंद्रा ग्रामीण थाना क्षेत्र में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई गिरोह जो है नकली नोट बना करके ग्रामीण क्षेत्रों में भोली भाली जनता को किसी न किसी बहाने वो देता था और बदले में छुट्टे पैसे प्राप्त करता था। तो थाना प्रभारी निवाली को आर बड़ोला को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया था कि इस संबंध में गुप्त सूचना संग्रहित करके इस संबंध में कोई प्रभावी कार्रवाई करें। तो विगत 15 दिनों की तैयारी के आधार पर कल जो एक गिरोह पकड़ाया है, जिसमें मेन इसका हीरो जो है वो राहुल नाम का व्यक्ति है और एक बाबा है और एक लड़का है देवा दयाराम मारेला, ये सभी सेंद्रा ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं। और इन्होंने एक स्कैनर के माध्यम से एक हूबहू ओरिजिनल नोट का वह स्कैनर के माध्यम से वह फोटोकॉपी होती है और वह दुकानों पर जाकर के ग्रामीणों को, जैसे मान लो 4 रुपये का सामान खरीदना है दुकान में जाकर के वो उसको 2,000 देता है, बाद में सामान ले लेता है और 1,900 रुपये उस बदले में छुट्टे प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से उसने सभी प्रकार के नोटों की जो है नकली बना रखे थे, 50 रुपये से लेकर के 100 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये ये नोट बना रखे हैं। कुछ उन्होंने करीब 1,000 के नोट जो है उन्होंने मार्केट में चला दिए थे और अभी जो जिसे बरामदगी हुई है वह 13,54,600 रुपये इनके पास जो है नकली नोट बरामद हुए हैं। पुलिस के द्वारा फौजरी करंस के आधार पर फर्जीकरण जो धारा है उसके तहत प्रकरण का निबंध करके योजना के जरिए आरोपियों पर रिमांड लिया जाएगा। इन्होंने कहाँ कहाँ नोट चलाए हैं और इसमें कौन इन्वॉल्व हैं, इस सभी मुद्दे पर तथ्यों पर जो है विवेचना के दौरान पूछताछ की जाएगी। हो सकता है कि इसमें और भी व्यक्ति को इन्वॉल्व हो, यदि उसमें है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। सर आरोपी कहाँ के इनके नाम है? आरोपी एक सिरपुर राहुल जो है वो सिरपुर करने वाला है और बाकी जो दो आरोपी हैं दयाराम और एक और जो गंगाराम बाबा वो जिला बड़वानी थाना सेंद्रा ग्रामीण क्षेत्र करने वाला है। सर किस तरीके से ये बनाते हो? इनका तरीका बड़ा आसान है, एक स्कैनर रहता है, कलर स्कैनर, उसमें उसके आधार पर उसको स्कैन करते हैं, उसकी फोटोकॉपी करते हैं और लगभग हूबहू जैसा ओरिजिनल जैसा तो नहीं है लेकिन हूबहू दिखता है। लेकिन आम जो देहात क्षेत्र के लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वह असली और नकली में फर्क नहीं समझ पाते हैं और इनके चक्कर में आते हैं। इवन दुकानदार भी, इन्होंने मेनली दिवाली के बाजार में दुकान में वो केले की दुकान में, वो किराना की दुकान में कुछ सामान खरीदते हैं और बदले में वो सामान लेते हैं और उसमें छुट्टे पैसे ओरिजिनल जो है वो प्राप्त हो जाता है। सर मास्टर माइंड है वो कम पढ़ा लिखा है, कहाँ से सीखा? नहीं, मास्टर माइंड तो पढ़ा लिखा है, समझदार है, उसने यूट्यूब देखा है और उसको सर्च करके खुद ही अभी तक की जानकारी के अनुसार ये काम खुद ही करता था और अपने सहयोगियों को जो वो नोट चलाने के लिए भेजता था। कैसे? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।